देहरादून। लॉकडाउन के समय बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार ने भी टीवी पर नई व्यवस्था की शुरुआत की, लेकिन जिन पिछड़े इलाकों में बिजली एक बड़ी समस्या है, वहां बच्चे किन हालातों में घर पर पढ़ाई कर पा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। टीवी के सामने बैठे हुए ये बच्चे कोई फिल्म या सीरियल नहीं देख रहे हैं, बल्कि दूरदर्शन पर सरकार की तरफ से शुरू की गई क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई का ये पैमाना आम है। जिन घर में बच्चे मोबाइल और लैपटॉप से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते, वहां दूरदर्शन ही उनके लिए सबसे बड़ा साधन है। शायद ये लोग भय के कारण मेरे दोस्त नहीं बता रहे हैं। राजा मंत्री के हाथ में राज काज देकर वे तस्वीर सोनभद्र जिले के विंडमगंज इलाके में चाय की दुकान चलाने वाले एक परिवार की है। यहाँ बच्चे दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे कार्यक्रमों से अपने क्लास के लिए नोट्स ले रहे हैं, लेकिन इस उमस भरी गर्मी के समय में उस वक्त इन्हें भारी परेशानी होती है जब बिजली कट जाती है, और बिजली जाने के बाद कब आएगी ये किसी को पता नहीं होता। अक्सर बिजली जब आती है तब तक ऑनलाइन पढ़ाई की क्लास खत्म हो चुकी होती है। ऐसे में छात्र छात्राओं का कहना है कि वो कोरोना काल में पढ़ाई में पिछड़े जा रहे हैं। हम इंटर में पढ़ते हैं, इस समय तो कोरोना के काल चल रहा है तो इसलिए स्कूल बंद है और ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो उसकी वजह से हम लोग पास मोबाइल वोबाइल तो है नहीं, ना इंटरनेट कनेक्शन हम लोग घर पर है, और एक मोबाइल है तो वो पापा काम पर लेकर चले जाते हैं, तो हम लोग सोचे कि हम लोग को पता चला कहीं से कि हाँ दूरदर्शन पर क्लासेस चल रही हैं, तो हम लोग बैठ के टीवी के पास पढ़ाई अपनी करते हैं, लेकिन उसमें भी लाइट कब चली जाए उसका भी पता नहीं है। क्या कर रहे थे अभी? अभी टीवी से पढ़ाई कर रहे थे हम लोग। तो किस कक्षा में पढ़ते हो? 9th। तो कैसे पढ़ाई पूरी कर रहे हो? टीवी में देख के कर रहे हैं, बिजली कब आती है जाती है पता ही नहीं चलता। तो कैसे पूरी करोगे पढ़ाई? सेल्फ स्टडी करेंगे। तो क्यों जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है स्कूल से तुम्हारे पढ़ाई होती है तो उसको क्यों नहीं कर पाते? हम लोग के पास मोबाइल ही नहीं है, ना इंटरनेट कनेक्शन है, और हम तीन भाई बहन हैं, तीनों का क्लास अलग अलग है, तो हम लोग कैसे करेंगे। विंडमगंज के रहने वाले अजय कुमार गुप्ता की चाय की दुकान का व्यवसाय कोरोना संकट की वजह से चौपट है। उन्होंने अपने दोनों मजदूरों को दुकान से हटा दिया, लिहाजा अब वो अपनी 11 साल की बेटी सुप्रिया के साथ दुकानदारी करते हैं। बेटी सुप्रिया का स्कूल मार्च से बंद है और नेटवर्क की समस्या होने से ऑनलाइन की पढ़ाई की व्यवस्था भी यहाँ नहीं हो पाती। किस क्लास में पढ़ते हो? 12th में। तो कैसे पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल खुला नहीं है तो? वही टीवी देख कर पढ़ाई कर रहे हैं, दूरदर्शन चैनल पे आ रही है, तो वो घर में एक ही मोबाइल है तो वो पापा लेकर चले जाते हैं, इसीलिए टीवी देख के पढ़ाई करते हैं, वही 1-2 घंटे। क्यों, बिजली नहीं रहती है? नहीं, बिजली नहीं रहती है यहाँ पे, बहुत कम बिजली रहती है। जाहिर है बिना मोबाइल लैपटॉप वाले घरों में केवल बिजली और दूरदर्शन से पढ़ाई करने वाला ये अकेला परिवार नहीं, ये समस्या उन बच्चों के लिए और भी गंभीर है जो कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए सोनभद्र से संतोष की रिपोर्ट।